अक्षय कुमार की फिल्म ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा थिएटर्स के बाद अब हॉस्पिटल्स में दिखाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में फिल्म दिखाने का क्या काम, तो चलिए बताते हैं आपको। ये तो हर कोई जानता है कि पहले देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे केंद्र के स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है। वहीं अब खुले में शौच के चलन के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों से 2 अक्टूबर को टॉयलेट एक प्रेम कथा का प्रदर्शन करने को कहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के 3 साल पूरे होने के मौके पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को राज्य सरकारों से भी उनके हॉस्पिटल्स में दिखाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि फिल्म की स्क्रीनिंग अनिवार्य नहीं है, राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि इस आदेश को लागू करना है या नहीं। मंत्रालय ने पत्र के साथ केंद्र सरकार के 20 अस्पतालों की सूची भी भेजी है जिन्होंने अपने परिसरों में स्वच्छता के मामले में मानक स्थापित किए हैं। बता दें कि अक्षय कुमार की इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की थी। ऐसे में फिल्म को हॉस्पिटल्स में भी दिखाने का निर्णय लिया गया है ताकि फिल्म का मकसद पूरा हो सके। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।